अब स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी के इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, असंगतता या अनिश्चितता। तो किसे हम असंगतता या अनिश्चितता कहेंगे, यानी इनकम्प्लीटली। तो ये घटना क्या होती है, ये पादों में कब होती है, क्या कारण रहते हैं, इस सबके बारे में आज अपन विस्तृत से देखेंगे। तो इसके साथ अपन देखते हैं असंगतता या अनिश्चितता किसे कहेंगे। तो जब पूर्ण रूप से सक्षम और जनन सक्षम नर और मादे युग्मकों के मध्य होने वाले निषेचन में जो है विफलता होती है, उसे ही असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। दोबारा देखिए, कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में होने वाली असफलता या विफलता असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। यानी दोनों के मध्य निषेचन ना हो पाना, निषेचन होने की प्रक्रिया विफल हो जाना, असफल हो जाना, क्या कहलाता है आपका, असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। अब हम देखेंगे कितने प्रकार की होती है। तो ये मोस्टली दो प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट अंतरा जाती है, अंतरजातीय असंगतता या अनिश्चितता। अंतरजातीय का मतलब होता है जब एक ही वंश के दो भिन्न जातियों के अंदर अनिश्चितता पाई जाती है, उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। इसे एक ही वंश के दो जातियों या दो भिन्न जातियों के मध्य जो असंगतता या अनिश्चितता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। दूसरा प्रकार जो है अंतर जातीय अनिश्चितता, अनिश्चितता अंतरजातीय अनिश्चितता का मतलब है कि जब एक ही जाति के पादपों के मध्य यदि अनिश्चितता या असंगतता पाई जाए तो उसको अपन अंतरजातीय अनिश्चितता भी कहते हैं, या उसे स्व अनिश्चितता अनिश्चितता भी कहते हैं। अंतरजातीय को क्या बोलते हैं अपन, स्व अनिश्चितता, यानी पादप जो है नर और मादा युग्मकों के मध्य होने वाले निषेचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी स्व अनिश्चितता कहेंगे। अब देखते हैं कि क्या कारण रहता है कि ये आपकी असंगतता या अनिश्चितता की घटना होती है, ऐसा क्या होता है। तो इसमें अपने जो प्राकरण और जो स्थिति है इनके मध्य जो आंतरिक संबंध जब पूर्ण होते हैं, उस दौरान यदि कोई कमी रह जाती है इनकी प्रतिक्रियाओं में, तो उस कारण आपकी असंगतता उत्पन्न होती है। तो उस पर अपन देखते हैं, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। मान लीजिए आप यह कोई स्त्री का सर है, यहां बीच में बीजांड ये क्या है, यहां पर भ्रूण कोश है, ये द्विकेंद्रीय कोशिका है, ये पटलों की कोशिका है और ये अंड कोशिका, ये आपकी क्या है, अंड कोशिका। ये द्विकेंद्रीय कोशिका है, निषेचन एक तो अंडकोशिका के साथ होता है और एक निषेचन द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ होता है।
और ये जो है इस तरीके से रखा ऊपर वाला भाग, इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं। और ये वर्तिका है, मान लीजिए ये इसका प्राकोष है, इसमें परागकण भरे होते थे, संस्फुटित होता है, फटता है, तो फटता है इसके परागकण बाहर निकलते हैं और उठते होते कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, जिसे छुपा होता है ये इसको ग्रहण कर पाता है। अब आपका जो वर्तिकाग्र है ग्रहण करके यहाँ पर एक वर्तिका बनती है, और वर्तिका से होते हुए ये कहां पहुंचते हैं आपके अंड कोशिका और द्विकेंद्रीय कोशिका तक नलयुग्मक पहुंचते हैं और निषेचन की घटना होती है। परंतु हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि निषेचन ना हो, यानी निषेचन में जो असफलता है विफलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसकी वजह से आपकी जो है स्व अनिश्चितता उत्पन्न होती है। मान लीजिए प्राकोष से प्राकरण यदि विकसित ना हो पाए तो प्राकरणों का विकसित ना होना भी एक स्व अनिश्चितता का कारण हो सकता है। प्राकरण यहाँ से वर्तिकाग्र पहुंच गए, परंतु वर्तिकाग्र में पहुंचने के बाद यदि वर्तिकाग्र इनको ग्रहण न कर पाए तो उस स्थिति भी आपका निषेचन की घटना नहीं होगी। साथ ही यदि आपके वर्तिकाग्र पर पहुंच गए और अंकुरण ना हो पाया तो उस दौरान भी आपका निषेचन की घटना नहीं होगी। अंकुरण हो गया लेकिन जब वो वर्तिका से होते हुए अंदर प्रवेश करता प्राग नलिका के रूप में, तो प्राग नलिका यदि ना बने तो उस स्थिति में भी आपका निषेचन की घटना नहीं होगी। या प्राग नलिका यहाँ बन गई, बनने के बाद यहाँ पर फट गई, तो फटने से क्या होगा, नलिका खत्म हो जाएंगे, आगे ये अंडकोशिका और द्विकेंद्रीय कोशिका के पास पहुंच नहीं पाएंगे, या अंडकोशिका या द्विकेंद्रीय कोशिकाओं का विषय ना हो पाना ये भी आपका स्व अनिश्चितता का कारण हो सकता है। तो ये सब कारण है जो अपने डिटेल से देखे हैं। तो डिटेल से देखने के साथ अपन देख रहे हैं कि क्या क्या कारण थे। तो इसमें आपके जो जीन है जो बहुयुग्म विकल्पी जीन है वो इस घटना को नियंत्रित करते हैं। यदि प्राकरण के बहुयुग्म विकल्पी जीन स्व अनिश्चितता को नियंत्रित करते हैं तो उसे अपन युग्मकोद्भिद स्वनिश्चितता कहेंगे। क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद स्वनिश्चितता। और यदि यही घटना बीजाणु के उत्को के कारण जो जीन होते हैं उनके कारण होती है तो उसको बीजाणुद्भिद, तो उसे बीजाणुद्भिद स्वनिश्चितता कहेंगे। तो पराक्रम के कारण हो तो युग्मकोद्भिद स्वनिश्चितता, और यदि बीजाणुओं के उत्को की जीनों के कारण होता है तो उसको अपन बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता के कारण मानेंगे। साथ अन्य कारण, ये तो दो कारण मुख्य रहे, साथ में मैं आपको बताया अभी प्राकरणों में कौन का अभाव होना, प्राकरणों में अंकुरण का अभाव, दूसरा कारण है आपका प्राग नलिका में वृद्धि न हो पाना, प्राग नलिका में वृद्धि नहीं हो पाना। यदि प्राग नलिका की वृद्धि यदि इसमें ना हो तो आपका निषेचन की घटना कहां से होगी, तो प्राग नलिका की वृद्धि होना चाहिए, नहीं होगी तो स्व अनिश्चितता उसमें क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं प्राग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना, प्राग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना,
ये भी कारण। यदि मान लीजिए दाना इनको काम पर है बीजाण दवा की और अपन भी गाय लिए उधर, तो नरीमक वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगला कारण अपन देखते हैं कि प्राग लेखा का भटिका भी फट जाता है। प्राग नलिका का भटिका में ही फट जाना। यदि वर्टिका के अंदर ही प्राग नलिका फट गई तो ये फिर इसके अंदर दूर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी कारण है किसका, आपके स्व अनिश्चितता का, साथ ही केंद्रों का संलयन ना हो पाना। नहीं, इस प्रकार अपने देखा असंगतता या